अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंस अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाज़रीन, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल, ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दें, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ में भी लोगों से ये सवाल किए गए हैं और जो लोग जो है सवाल का जवाब नहीं जानते, तो ये लेक्चर जो है उन लोगों के लिए है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल। What is email? Email, which we also call electronic email, this is the method of sending letters through online medium like from computer, phone, etc. It is set in MMS, multimedia messaging service model, through which we can send anything via email, such as videos, phone, texts, audio, etc. Each person has a unique ID, email ID, right? What is Gmail now? Gmail, which is an ESP, email service provider, whose job is to provide email service. If we talk about the most used electronic email service provider, then Gmail is one of the top of it. Gmail is a free service provider, so it is used the most. Gmail, which was launched on 1st April 2004, but work was being done on Gmail for a long time, but in 2004 it was published in public. Nazreen, Gmail jo hai ये गूगल कंपनी का है, जो कि जो इनकी सर्विस प्रोवाइडर है वो गूगल है, और दैट्स व्हाई दे जस्ट लाइक कॉल इट जीमेल। और इसकी सर्विस जो है वो बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स है, जिसमें याहू है, आउटलुक है, उनसे कुछ कंपैरिजन वाइज बेहतरीन है, और उनमें जो फीचर्स हैं। इसके अलावा जीमेल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको जीमेल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। लेट्स सी जो इनके डिफरेंस है, जो फीचर्स है, उस हवाले से बात करते हैं। प्रोवाइडर जीमेल इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल, ईमेल कैन बी प्रोवाइड बाय वेरियस कंपनी सच एज याहू और आउटलुक। जीमेल जो है वो गूगल ही प्रोवाइड करता है, जबकि ईमेल जो है वो आउटलुक या याहू प्रोवाइड करता है। एक्सेस, जीमेल इज एक्सेस थ्रू अ वेब बेस्ड इंटरफेस और मोबाइल ऐप। ईमेल कैन बी एक्सेस थ्रू वेरियस ईमेल क्लाइंट्स और वेब बेस्ड सर्विसेज। अच्छा, इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी दोनों का माबेन ईमेल और जीमेल में। जीमेल ऑफर्स यूजर्स 15 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस, वाइल स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ईमेल वेरियस बाय द प्रोवाइडर। चूँकि ईमेल जो है एक सर्विस है जो कि मल्टीपल कंपनीज प्रोवाइड करती है, जबकि जीमेल जो है वो गूगल की सर्विस जो है वो है, और वो स्पेशलाइज्ड है जीमेल के लिए। तो जीमेल अपने स्पेसिफिकेशन के बाद तो बताता है, जबकि ईमेल जो है वो हर कंपनी का डिफरेंट होता है। अटैचमेंट, जीमेल अलाउ यूज़र टू सेंड अटैचमेंट अप टू 25 MB, ठीक है, 25 MB डेटा जो है वो अटैच करके आप सेंड कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। वाइल अटैचमेंट साइज लिमिट्स वेरी बाय द प्रोवाइडर फॉर ईमेल, जबकि ईमेल जो है उनके वेरी करता है। अगर लेट्स सपोज हम वो आउटलुक की बात करें, तो आउटलुक की अपनी अटैचमेंट साइज़ है, और अगर याहू की है तो उनकी अपनी है, तो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। अब हम थर्ड इंटीग्रेशंस के हवाले से आते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। जीमेल इज़ इंटीग्रेटेड विद अदर गूगल सर्विसेज सच एज गूगल ड्राइव, कैलेंडर और मीट, वाइल ईमेल में नॉट हैव सच इंटीग्रेशन, जबकि ईमेल की जो है वो इतनी इंटीग्रेशन नहीं होगी। जीमेल जो है वो उनके अपने, जैसे मैंने कहा कि उनके अपने ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्विसेज हैं, तो उनको जुड़े रखने के लिए जीमेल जो है वो उन्होंने लाजिम करा दिया, और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा वो खसूसियात हासिल है। जीमेल के जो फीचर्स हैं उसमें, जीमेल ऑफर्स एडवांस ऑर्गेनाइजेशन टूल चैट एंड वीडियो कॉलिंग, वाइल ईमेल टिपिकली ऑफर्स बेसिक ईमेल फंक्शनैलिटी। दोनों के माबेन बहुत बड़ा डिफरेंस है। ईमेल जो है बेसिक कम्युनिकेशंस और फंक्शनैलिटी देते हैं, जबकि जीमेल जो है वो ज़्यादा देते हैं। दो प्लेटफॉर्म के माबेन या दो कंप्यूटर के माबेन जो कम्युनिकेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द सिटी, थ्रू आउट द रूम और थ्रू आउट द विलेज भी हो सकते हैं, तो वो जो है वो ये एक टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस कराई है वर्ल्ड वाइड, वो ईमेल है। और जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है
उन कंपनीज़ में टॉप जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है गूगल, और गूगल के काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्विसेज हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हैं इंटरनेशनली। और हमेशा से जब उनका कंपनीज़ टू कंपनीज़ आपस में कम्युनिकेशन होती है, वो दो सिस्टम जो है कनेक्ट होते हैं या दो मोबाइल्स के थ्रू या दो डिवाइसेस के थ्रू वो आपस में जीमेल के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। अब जीमेल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो यूज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो गूगल है उनके बाकी प्रोडक्ट्स बढ़ रही है और उससे उन प्रोडक्ट्स को लॉगिन करने के लिए, उन तक एक्सेस के लिए जीमेल जो है वो लाजमी होगा, आपको लाजमी उसका अकाउंट बनाना होगा। जबकि याहू हो गया या आउटलुक हो गया वो कुछ स्पेसिफ़िक जगहों पर या स्पेसिफ़िक लोकेशंस के ऊपर या स्पेसिफ़िक ऑफिस के थ्रू जो है वो यूज़ होता है। अब अगर बात करें जीमेल की, तो जीमेल की जो अपना ही लॉगिन करते हैं वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है जिसमें प्रमोशन है, सोशल मीडिया के अपने उन्होंने फीचर्स डाली है, काफ़ी सारे जो जिनके थ्रू वो कार्ड जो है वो भी सबमिट होते हैं, जिनके इमेजेस भी जाते हैं, जो अटैचमेंट के साइज़ हैं वो वेरी कंपेरेटिव है, डिफरेंट है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ई मेल है उनके अपने एक मेन्यू बना हुआ, अपना एक वो है। तो इसमें जो ई कॉमर्स का है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनके जो प्रोडक्ट सेलिंग हैं, उनके बाकी फीचर्स हैं, दैट इज़ मच बेटर। और यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं गूगल के, जिनको अगर गूगल मैप की बात करें या मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, गूगल ड्राइव की बात करें, गूगल पॉडकास्ट मैनेजर, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने, उनके लिस्ट नज़र आ रही है। तो दैट इज़ एक्चुअली वांट्स के गूगल इज़ मच बेटर, और ये आज के कंपेरिजन हमने आप लोगों के साथ शेयर किए। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।